तो ये पानी जो है ना छत पे गिराऊंगा, टेम्परेचर ठीक रहेगा। मौसम आज काफ़ी जो है ना गर्म है। हेलो बेला, एक मिनट बेला, बेड निकालता हूँ मैं, दरवाज़ा खोल लूँ। ये वाला पानी इधर हम गिराएंगे, जो धूप वाला टेम्परेचर है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अभी बर्ड्स वगैरह बाहर नहीं मैं निकाले, पहले इधर पानी वगैरह मैं गिरा देता हूँ, मौसम ज़रा अच्छा हो जाएगा। धूप देखें बहुत तेज़ है धूप, बेचारे वहाँ पे जो पिजन वगैरह इनके रह रहे हैं वो पता नहीं कैसे रह रहे होंगे इतनी तेज़ धूप में। तो इन्हें तो धूप बहुत तेज़ लगती होगी, तो हमारी मुर्गियों को भी धूप लगती होगी। इसका भी बंदोबस्त अब करना है कोई छांव वगैरह का, ताकि हमारी मुर्गियों को धूप वगैरह ना लगे। हमारा मास्टर केज महफूज रहे धूप से, क्योंकि गर्मी आगे मज़ीद आनी है तो मसला बनेगा। तो पानी का छिड़काव कर देंगे, ये देखें ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा थोड़ा सा। इतनी प्यारी खुशबू भी आना शुरू हो गई है मिट्टी की, ये ठंडक का एहसास अभी से शुरू हो गया। जब मज़ीद गर्मी आएंगी फिर हम ज़्यादा सारा पानी इधर गिराया करेंगे, ताकि मौसम जो है ना यहाँ पर अच्छा रहे। ज़्यादा इधर ही घूमती हैं इसलिए मैंने इधर ही पानी गिराया। थोड़ा सा इन पे भी गिरा देते हैं, ये भी ठंडे ठंडे हो जाएंगे। चले ठीक हो गए, ये काम हो गया। बिना बाहर निकालता हूँ मैं, बाहर आना है। चलो भी बाहर आ जाओ, सारे बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, शाबाश, सारे बाहर चले जाओ, सारे बाहर। गिरी 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 गिरी। तो गाइस सारे बर्ड्स बाहर आ गए हैं, और जो मैंने पानी फेंका है तो उससे भी ठंडक ठंडक का एहसास हो रहा है। और इन चूज़ों को मैं बाहर ले आया हूँ, और ये इन सब को अभी दाना वगैरह डालना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से। तो गाइस धूप इतनी तेज़ है मेरी आँखों में जा रही है। तो गाइस मार्केट जाना है आज, कुछ बर्ड्स वहाँ से लेके आने हैं, काफ़ी दिन हो गए मार्केट नहीं गए। इनकी फीड भी लेके आनी है चूज़ों की, और मार्केट से कुछ नए बर्ड्स लेके आते हैं अपने सेटअप के लिए, प्यारे से मासूम से, तो इनके साथ उनका ग्रुप बनाते हैं। तो इन्हें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो मार्केट जा रहा हूँ, मार्केट से बर्ड लेके आते हैं, चलते हैं मार्केट। तो गाइस मार्केट आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे तो मुर्गियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, और चूजे नज़र आ रहे हैं। और इस जगह पे है ना डकलिंग्स, ये देखें डक के बेबी, ठीक है। मेरा दिल कर रहा है ये ले लूँ, इतने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मासूम से हैं, इनका एक्सपायर होने का ख़तरा ज़्यादा होगा, तो फीड इन्हें खिलानी पड़ेगी इस तरह की। और ये चूज़े वही हैं जो हम लेके गए थे सारे, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हर जगह चूज़े चूज़े ही आए हुए। यहाँ पे जो ये हैं, मेरा दिल कर रहा है ये ले लूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं। वैसे मेरा दिल कर रहा है बड़े वाले लूँ, बड़े वाले हैं नहीं हैं, मेरे छोटे वाले हैं, तो मैं छोटे वाले ले लूँ, ठीक है। तो ये वाले हम लेके जाते हैं, बड़े डक्स है नहीं है, और पिजन भी काफ़ी आए हुए हैं यहाँ पर, तो लेकिन हम ये वाले डक के बेबीज लेके जाते हैं, डकलिंग्स। हेलो, मिठू 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 मिठू, change it, seeing eyes of mine.
तो गाइस मार्केट से मैं आ गया हूँ और इन सबको पहले दाना डाल देता हूँ ताकि ये डक्स के पास ना जाए। तो ये देखें मुर्गी मेरे ऊपर चढ़ रही है, गिड़ी 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 गिड़ी। ये देखें इन सबको दाना डाल दिया ना, अब डक्स के बेबी से लेके आता हूँ मैं। ये देखें इतने सारे डक्स के बेबीज, डकलिंग्स यहाँ पे छोड़ दूँ। गाइस मुर्गियों को दाना डाल दिया और इन सबको अब यहाँ पे मैं खोलने लगा हूँ। ये देखें कितने प्यारे लग रहे, ये देखें। सबसे छोटा ही ये वाला सबसे छोटा है। ये देखें तो गाइस ये हमारे सारे डक्स के बेबीज जो है यहाँ पे घूम रहे हैं और मुर्गियों को दाना दे दिया फिर भी इस दाने के पीछे आ रही हैं जो कि मैंने इन कबूतरों वगैरह को देना। इन्हें बाहर नहीं निकाला आज, अंदर ही इन्हें दाना डाल दिया, थोड़ा सा दाना डाला है, बाद में शाम को इन्हें दाना दोबारा दे दूंगा। शाम तो वैसे हो गई है, रात को दोबारा दाना दे दूंगा। हेलो कुकी, क्या हाल है कुकी? देखें डक्स के बेबीज आ गए सारे इधर, देखें कितने प्यारे हैं, है ना? तो गाइस मुझे तो बहुत ही प्यारे लगे हैं डक्स के बेबीज, छोटे छोटे से और मुलायम नहीं है ये, बहुत ना इसके सॉफ्ट नहीं है, यानी कि इनके बाल हार्ड हार्ड है। तो जो हमारे चूज़े हैं ना, चिक्स हैं जो, वो वाले मुर्गी के चिक्स, वो बड़े मुलायम से प्यारे से लगते हैं। ये है प्यारे हैं लेकिन इनके बाल खुरदरे से हैं। ये सारे इधर आ गए, तो इनकी फीड मैं भूल गया हूँ लेके आना, लेकिन ठहर के मैं जाऊँगा मार्केट तो फीड ले आऊँगा इनके लिए और चूज़ों के लिए भी, और एक ही फीड है जो ये दोनों खाते हैं, तो इन दोनों को वही फीड डाल देंगे। ठीक है इन्हें दाना डाल दिया, इनका काम हो गया। देखें एक लवबर्ड इधर बैठा है और एक उधर बैठा है, और इसका पता नहीं पैर है या वैसे ही इधर फिरते रहते हैं, समझ नहीं लगती इनकी। तो डकलिंग सारे जो है ना, ये इस तरह करो ना तो इधर नहीं आ रहे, तो हमारे जो वो चूजे हैं वो आ जाते हैं ऐसे ऐसे करो, तो ये नहीं आ रही है, मज़े से बस खाना ढूंढ रहे हैं, क्या खाना है इन्होंने कोई समझ लग रही। तो गाइस इन चूज़ों को भी अंदर रखने लगा मैं, और इस केज में हम बतखों के बच्चे रखेंगे, डकलिंग्स रखेंगे, और इनको जो है ना मैं बाहर निकालता हूँ। ये देखेंगे मास्टर केज में घूमेंगे इस तरह ही बाहर घूमेंगे, और जो डक्स के बेबीज हैं वो सारे हम जो है ना इसके अंदर रखेंगे, और सारी मुर्गियों को भी अब अंदर ले आता हूँ मैं। ये देख ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे हमारे डक्स के बेबीज। ये सबसे छोटे हैं ये वाले, तेरी ये अकेला रह गया, इतना शोर मचा रहा है ये, आ जाओ इधर। एक ये भी है, ये भी सबसे छोटा, ये इसके अंदर आ गए सारे। मुर्गियों वगैरह को मैं बंद करता हूँ। गिड़ी 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 गिड़ी। ये देखो चिक्स की जगह पे हमारे डक्स के बेबीज आ गए, और बाकी भी मुर्गियाँ तो बहुत अंदर आ रही हैं। गिड़ी 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 आ जाओ, गिड़ी 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 गिड़ी। कजिन सबको बंद कर दिया, और बेला को तो आज खोला ही नहीं, वो बेचारी अंदर ही है, वो देखें केज के अंदर ही बंद है, उसे बाहर नहीं निकाला, और इन सबको भी अब बंद कर दिया। बेला को इंशाल्लाह हम सुबह निकाल लेंगे बाहर, और डक्स के बेबीज़ को भी कल हम नहलाएंगे पानी से, मज़ा आएगा। और देखें इतनी जल्दी जो है ना रात हो गई है, और पता ही चला मैं जब डक्स लेने गया था
डक्स के बेबीज लेने गया था, तो पता ही चला टाइम का, इतनी जल्दी टाइम गुजर गया। तो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आज हम डक्स के बेबीज लेके आए हैं, डकलिंग्स। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।